लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही पुलिस ने जिले भर के लाइसेंस हथियारों को जमा करवाने की कवायद भी शुरू कर दी है। लाइसेंसी हथियारों को जमा करने में पुलिस को करीब एक महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अब भी कई हथियार लाइसेंसधारियों के पास मौजूद हैं। पड़ताल में सामने आया कि ये हथियार राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी और अधिवक्ता जैसे रसूखदार लोगों के नाम है। आपको बता दें कि अजमेर के पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप ने सभी थाना अधिकारियों को लाइसेंस और हथियार जमा कराने को चेताया था, लेकिन कप्तान के आदेश की अभी तक कोई भी पालना नहीं की गई है। जबकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। हमारे जिले में कुल 4,846 वेपन्स के लाइसेंस इशू हो रखे हैं, और जैसा आप जानते हैं कि मतदान से पूर्व शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और निर्भय मतदान होने के लिए वेपन्स है जो सामान्य तौर पर जमा कराए जाते हैं, और ये वो हथियार होते हैं जो जमा होने के लिए पात्र लोगों के तो नहीं होते हैं, उन एक्स्ट्रा लोगों के हथियार हैं जो जमा होते हैं, और उसके तहत 4,846 में से 3,215 वेपन्स अब तक जमा हो चुके हैं। और अभी टाइम है, हमारा 29th को पोलिंग है, उससे पहले बचे हुए वेपन्स भी रह जाएंगे। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।